राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने मुझे और हमारे महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी को यहाँ विधायक दल के नेता का चयन हो इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए यहाँ भेजा हुआ है। विधायक दल की बैठक में मैं और अरुण सिंह जी उपस्थित हुए। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी नेतृत्व यहाँ मौजूद है, सभी विधायक यहाँ मौजूद हैं और हम सब लोगों ने निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की। विधायक दल का नेता कौन हो इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। हमारे अब तक जो राज्य का नेतृत्व कर रहे थे ऐसे सफलतम और सुशील नेता सर्वानंद सोनोवाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रंजीत दास जी और हमारी नवनिर्वाचित विधायक बहन नंदिता जी, इन लोगों की ओर से नाम का प्रस्ताव भी हुआ और नाम का समर्थन भी हुआ। मैंने सभी विधायकों को बैठक में पूछा कि कोई और नाम आप सबके जहन में है तो कोई अन्य नाम नहीं आया। जिन बंधुओं के मैंने नाम लिए उन तीनों लोगों ने हमारे सरकार में वरिष्ठ मंत्री के रूप में जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे श्री हेमंत विश्वास शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल के नेता को दिया गया। विधायक दल में इस प्रस्ताव के अलावा कोई भी प्रस्ताव उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए सर्वसम्मति से मैं पर्यवेक्षक के नाते विधायक दल की बैठक में आसाम राज्य भारतीय जनता पार्टी विधान मंडल नेता के रूप में श्री हेमंत विश्वास शर्मा को इस अवसर पर घोषित करता हूं। सभी विधायकों से अनुरोध है कि अपनी जो सर्वसम्मत स्वीकृति है वो दोनों हाथ उठाकर और तालियां बजाकर प्रेस के सामने दर्ज कर प्रेस के मित्रों से भी मैं अनुरोध करूंगा जरा पीछे विधायकों के समर्थन और उनकी भावना को भी देखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, নমস্কার। আমাদের বিশ্ব আমাদের আগামী জানাইছে
अनुरोध है अभी इसके बाद एनडीए की बैठक होने वाली है और एनडीए दल के नेता के चयन के पश्चात फिर आपको एक बार अवसर मिलेगा और उस समय जरूर अच्छे अच्छे फोटो खींचिए और अपनी व्यवस्था को कार्यवाही को आगे बढ़ाने में मदद करिए। সকল সাংবাদিক বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাইছো। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ এন ডি এ সভা হব আমি আপোনালোকক আকৌ তালৈ আমন্ত্ৰণ জনাম। আৰু এয়া আমি বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ ভিতৰভাগৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰে ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম আৰু যিসকলে সমৰ্থন কৰিছে সকলোকে হাততালি বজাবলৈ তেওঁ অনুৰোধ জনায় আৰু তাৰ পিছতেই ঘোষণা কৰা হয় পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। আৰু এয়া ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত, এক আৱেগিক মুহূৰ্ত আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। বিজেপিৰ 60গৰাকীকৈ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক উপস্থিত আছে আৰু এয়া ইয়াৰ পিছতে আনখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব অগপ আৰু ইউ পি পি এলৰ সৈতে বিধায়িনী দলৰ যুটীয়া বৈঠক। আৰু এয়া মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰ পৰ্যবেক্ষক নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰ অৰুণ সিং আৰু নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ এই বৈঠকত। সকলোৰে উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটিছে, সকলোৰে উৎকণ্ঠাৰ সকলোৰে কৌতূহলৰ অৱসান ঘটিছে বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ ভিতৰভাগৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পৰ্যবেক্ষক নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰে ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম। বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম প্ৰথমে প্ৰস্তাৱ কৰা হয় আৰু এই প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন আগবঢ়ায় ৰঞ্জিত দাস আৰু নন্দিতা গাৰ্লুচাই আৰু এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ঘোষণা কৰা হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰ পৰ্যবেক্ষক আৰু পৰ্যবেক্ষকে অৱশেষত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম।